एक जर्नलिस्ट हूँ और मेरा ताल्लुक अखबार के साथ है, प्रिंट के साथ, और मुझे 10 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है और मैं मुख्तलिफ पीस पे काम करता हूँ, क्योंकि अब आपका एडिटर या आपके मालकान चाहते हैं कि कम से लोगों से ज़्यादा काम कराया जाए, तो कोई फिक्स पीस कम ही होती हैं जी। रेगुलर सैलरी मिलती है लेकिन इंक्रीमेंट वगैरह कम लगती है, और अगर एवरेज की बात करें तो कोई ऐसी एवरेज नहीं है। लोग अगर आप यकीन नहीं करेंगे कि 20-20 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये भी काम कर रहे हैं, तो जिनको नहीं मिलती फिर वो अपने उधार लेते हैं, चीज़ें बेचते हैं, और किसी के साथ फ्रीलांसिंग, कभी किसी के साथ, कई लोग पढ़ाना शुरू कर देते हैं, कोई कोर्ट में, कोई मुंशी वगैरह ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस तरह के काम किए हैं। लाइफ इंश्योरेंस वगैरह इस तरह की चीज़ें बहुत कम हैं, और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादातर मैंने ये मेरे इदारे में है, आपको कुछ हद तक रीइंबर्समेंट मिल जाती है, लेकिन उसके लिए भी प्रोसीजर बहुत लंबा है और इतना लंबा है कि बाज़ का लोग उससे जान छुड़ाते हैं जी। ईयरली छुट्टियाँ हैं लेकिन उसमें भी अर्न लीव्स के पैसे नहीं मिलते, वो कहते हैं जी आप छुट्टियाँ कर लें, तो पैसे हम नहीं दे सकते, और वैसे भी छुट्टी ऐसे दी जाती है कि जैसे एहसान किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप किसी के बंदा नहीं है तो स्टाफ पहले ही शॉर्ट होता है, थोड़े स्टाफ से ये काम करवा रहे होते हैं, और ट्रांसपोर्ट की इतनी फैसिलिटी नहीं है, खुद ही आना पड़ता है, बस का को रातों को जब ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती तो बहुत दूर दूर तक पैदल चलना पड़ता है, और ब्रीफिंग्स कोई नहीं है जी कि क्राइसिस में किस तरह ये लोग NGO से ट्रेनिंग ले लेते हैं या अपने तौर पर या साफी तंजीमें कर लेती हैं, आपके इदारे ये चीज़ नहीं कराते, तो ये मैं इसमें आप ये कहना चाहूँगा।